भाई मेरा ऑटो बैक होता है रोज ऑन रियलमी C11 प्लीज हाउ मेनी वीक टू डाउनलोड एंड प्ले दिस बट इट्स नॉट वर्किंग माय टैब हुए नोटपैड T10 2GB रैम स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलिस प्ले ऑटो बैक स्क्रीन सॉल्यूशन प्लीज एंड्रॉइड 11 फिक्स वीडियो प्लीज बट आई डिलीट एंड इंस्टॉल पैकेज पार्सिंग प्रॉब्लम माय एंड्रॉइड 12 और पता नहीं गाइस इस गेम का रिगार्डिंग और कितना प्रॉब्लम आने वाला है। मैंने इस गेम का फिक्सिंग रिलेटेड टोटल 4 वीडियोस बनाए एंड मैं सोच लिया था कि और वीडियोस नहीं बनाऊंगा स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलिस रिलेटेड। आप लोगों को पता है मेरे चैनल में 99% वीडियोस फ्री फायर रिलेटेड है लेकिन आप सभी का इतना सारा कमेंट्स आ रहा है इसलिए मैं आपने आपको रोक नहीं पाया। मैं सोच लिया हूं आप जब तक आप लोगों का प्रॉब्लम फिक्स ना कर दूं तब तक माइल्स मोरेलिस रिलेटेड और वीडियोस लेके आऊंगा। गाइस इतने दिन से मैं आप सभी का प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए रिसर्च कर रहा था इसलिए मैं चैनल में कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था और इतना रिसर्च के बाद मैं इस गेम का सॉल्यूशन लेके आ गया हूं। सॉल्यूशन बताने से पहले आप सभी को एक बात बोलना चाहता हूं, इतना दिन का रिसर्च एंड मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा था सो प्लीज इस वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब एंड आपका एक प्यारा सा कमेंट चाहिए, मुझे बस इतना ही बोलना था। अब गाइस चलते हैं मेन चीज में। देखो गाइस ये जो माइल्स मोरेलिस गेम है बस एंड्रॉइड 10 तक ही सपोर्ट करता है, बाकी एंड्रॉइड 11 12 में प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता। जिन लोगों का रैम कम है उन लोगों का तो ऑटोबैक प्रॉब्लम्स तो आएगा ही। देखो जिन लोगों का रैम कम है तुम लोग अपना फोन में एप्स कम यूज करो एंड फोन मेमोरी को ज्यादा से ज्यादा खाली करके रखो, शायद प्रॉब्लम फिक्स हो जाए। अब जिन लोगों का एंड्रॉइड 11 एंड्रॉइड 12 है वो लोग तो गेम को खेल नहीं पाएंगे। देखो इसका भी सोल्यूशन है, या तो अपना फोन को चेंज कर लो या फिर अपना एंड्रॉइड वर्जन को डाउनग्रेड कर लो। एंड्रॉइड 11 12 जो भी है उससे नीचे आ जाओ एंड्रॉइड 10 में। अब गाइस आप सब लोग बोलोगे भाई ये कैसे पॉसिबल है, ऐसे तो हम नहीं कर सकते, अपना फोन कैसे चेंज कर ले। बट गाइस यहाँ पे ही तो ट्विस्ट है। गाइस देखो तुम लोग तो अभी अपना फोन तो चेंज नहीं कर पाओगे लेकिन अगर मैं कहूँ आप लोग अपना एंड्रॉइड वर्जन चेंज कर पाओगे वो भी एंड्रॉइड 10 में नहीं एंड्रॉइड 7 में आ जाओगे। मतलब इस चीज को करने से तुम्हारा फोन का कोई भी डाटा लॉस नहीं होगा एंड इस चीज को करने के लिए तुम्हें कोई कंप्यूटर को जरूरत नहीं पड़ेगा, तुम्हारा मोबाइल का कुछ भी नहीं होगा। एंड्रॉइड 10 में जब वर्क करता है ये गेम तब एंड्रॉइड 7 में तो बहुत ही स्मूथ चलने वाला है ये गेम। इसमें भी और एक ट्विस्ट है, इसको करने से रियल में तुम्हारा एंड्रॉइड वर्जन चेंज नहीं होगा, बस आप उसके साथ ही साथ एंड्रॉइड 7 का भी मजा ले पाओगे। मतलब कि एक एंड्रॉइड फोन में दो दो एंड्रॉइड वर्जन होने वाला है। क्यों क्या हो आप लोग सोच रहे हो एक फोन में दो दो एंड्रॉइड वर्जन कैसे पॉसिबल है? गाइस आप लोग बस मुझे फॉलो करो आपको सब पता चल जाएगा एंड जो वीडियो को ठीक से नहीं देखेगा उसका गेम नहीं चलने वाला, सो वीडियो अच्छे से पूरा देखो। ओके गाइस ये देखो मेरा एक दोस्त का मोबाइल है, इसका मोबाइल में स्पाइडरमैन माइल्स मोरेलिस इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, बहुत बार ट्राई करने से भी इंस्टॉल नहीं हो रहा क्योंकि इसका एंड्रॉइड वर्जन 11 है। अब गाइस हम लोग इसका फोन का वर्जन एंड्रॉइड 7 करेंगे। देखो गाइस सबसे पहले आप लोग प्ले स्टोर ओपन करो, वहाँ पे सर्च करो एक्चुअल एंड्रॉइड, उसके बाद मैं जो ऐप यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ उसको इंस्टॉल करो। एंड हाँ गाइस फिर से बोल रहा हूँ वीडियो को पूरा देखो, यहाँ पे छोड़ के मत जाओ, अगर आप लोग ठीक से नहीं देखोगे तो ये प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। ये ऐप इंस्टॉल होने के बाद ओपन करो, इसके अंदर आपको 600 MB के आसपास फाइल डाउनलोड करना होगा क्योंकि गाइस ये एक दूसरा एंड्रॉइड सिस्टम हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं इसलिए उसका साइज भी बड़ा होगा। इसके अंदर टोटल 2 फाइल्स डाउनलोड होगा एंड 2 फाइल्स मिला के ही 600 MB के आसपास होने वाला है। आप लोग ये मत सोचना कि दो दो अलग अलग 600 MB का फाइल डाउनलोड होगा, ऐसा कोई बात नहीं है। डाउनलोड होने के बाद आपसे कुछ परमिशन मांगेगा, आप बस वो परमिशन एक एक करके अलाउ कर देना, देन इसने जो भी फाइल्स डाउनलोड किया है वो एक्सट्रैक्टिंग होना चालू हो जाएगा। एक्सट्रैक्टिंग होने के बाद आपका न्यू एंड्रॉइड सिस्टम चालू होने लग जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये एंड्रॉइड सिस्टम चालू हो गया है। अब मैं आप लोग को इसका एंड्रॉइड वर्जन दिखाता हूँ सेटिंग्स में जाके, मैं यहाँ पे सेटिंग्स में आ गया हूँ, यहाँ पे अबाउट में जाकर मैं दिखाता हूँ। ये देख सकते हो गाइस एंड्रॉइड वर्जन 7 लिख के आ रहा है, आप लोग देख सकते हो एंड्रॉइड 9.8 वर्जन है। ये वर्जन हम लोग बहुत पहले यूज कर चुके हैं, आप तो कोई भी फोन में वर्जन देखने को नहीं मिलता है। एनीवेज गाइस यहाँ पे हम लोग होम करके आपको नीचे एक प्लस बटन देखने को मिलेगा, इसको टैप करके आप ब्राउज फाइल करके अपना गेम सिलेक्ट करो जहाँ पे आप अपना माइल्स मोरेलिस एपीके को डाउनलोड करके रखे हो एंड देन वो इंपोर्ट होना लग जाए। इस न्यू एंड्रॉइड सिस्टम में इंपोर्ट कंप्लीट होने के बाद गाइस आप यहाँ से इसको इस न्यू एंड्रॉइड सिस्टम में इंस्टॉल कर लो एंड यहाँ पे इंस्टॉल करने से आपका कोई भी पैकेज पार्सिंग एरर नहीं आया क्योंकि ये एंड्रॉइड 7 में बेस्ड है इसलिए। अब गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने इसको सक्सेसफुल इंस्टॉल कर लिया है, आप देखते हैं ये गेम चलता है या नहीं। गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे गेम स्टार्ट हो गया है, इसका डिक्लेमर भी शो कर रहा है एंड देखते हैं ये गेम क्या प्रॉपर्ली वर्क करेगा या ऑटो बैक हो जाएगा वो देखना होगा। गाइस हम लोग गेम तो स्टार्ट कर दिया है, ये देखो इस गेम को हम लोग एंड्रॉइड 11 बेस्ड मोबाइल में इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे लेकिन ये वर्चुअल एंड्रॉइड 7 सिस्टम के वजह से हम लोग आसानी से इसको इंस्टॉल कर लिया एंड देखते हैं गाइस ऑटो बैक प्रॉब्लम होता है या नहीं। तब आप लोग गेम प्ले को एंजॉय करो थोड़ा सा। नहीं गाइस बहुत देर तक प्ले करने पे भी मुझे कोई भी ऑटो बैक प्रॉब्लम देखने को नहीं मिला, सो गाइस
आप लोग देख लिया है कैसे मैंने एंड्रॉइड 11 से एक न्यू एंड्रॉइड 7 सिस्टम को इंस्टॉल करके उसके अंदर माइल्स मोरालिस आसानी से प्ले कर लिया विदाउट एनी डाटा लॉस। गाइस आप भी ये ट्राई करो, आई होप आपका जो एंड्रॉइड वर्जन का प्रॉब्लम हो रहा था वो ठीक हो जाएगा। अगर फिर भी आपका ऑटो बैक प्रॉब्लम हो रहा है या कोई और प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। तब तक के लिए मिलते किसी और न्यू फ्रेश वीडियो में। बाय बाय।